बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं पुलाव बनाऊंगी, चिकन पुलाव, और उसके अंदर मैं आलू भी डालूंगी। थोड़ी क्वांटिटी अच्छी बन जाती है और खाने में मज़ा आता है। आलू तो वैसे भी हर एक की फेवरेट होता है, तो इसलिए मैं चिकन के साथ आलू को ऐड करूंगी। और टमाटर, एक एक बड़ा साइज़ का टमाटर मैंने काट लिया, और 7-8 मिर्चें मैंने काट ली हैं, 2 प्याज मैंने दरमियाने साइज़ के रखे हैं, और थोड़ा सा दही रखा है भूनते हुए डालने के लिए। ये हमारी चीज़ें चॉप हो गई हैं। तेल मैंने डाल दिया है, और अब इसके अंदर हम ये डालेंगे पत्ता, थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला बस ऐसे ही, मतलब हाथ से ही उठा के आपने डाल देना है, रैंडमली, कोई सिलेक्टिव नहीं है। जिसमें दालचीनी भी आ गई आपकी, ज़ीरा भी आ गया, और लौंग भी है, काली मिर्च भी है, ठीक है, ये हमने डाल देना है इसके अंदर। थोड़ा सा ये हल्का हल्का जब फ्राई होने लग जाएगा तो हम फिर इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। अब ये मसाला जो है फ्राई हो गया हमारा, अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याजों को जो है वो हमने थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन भी नहीं होगा और डार्क भी नहीं, ब्लैक भी नहीं होगा, दरमियाने कलर का हमने इसको ब्राउन करना है ताकि चावलों का अच्छा सा कलर आ जाए। अब ये देखें, इस प्याज जो हैं ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। बहुत सिंपल तरीके से पुलाव जैसे नॉर्मल घर में बनता है वैसे ही है। मैं भी आज कुक कर रही थी तो मैंने कहा आपसे चलो शेयर करती हूँ। बिगनर्स, मैं कोई एक्सपर्ट कुक तो हूँ नहीं, इसलिए समझ लेंगे जो बिल्कुल स्टूडेंट हैं कुकिंग में, उनके लिए है ये बहुत आसान। सिंपल गरम मसाले के साथ आपने प्याज़ों को फ्राई कर दिए, और ये देखिए अब ये कलर इनका चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है वो लहसुन अदरक डाल देंगे, हल्का सा, और वैसे ही बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे 30 सेकंड के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्राई कर लें लहसुन अदरक को तो उनकी जो गज़ाइत है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए ज़्यादा लहसुन अदरक को हमने फ्राई नहीं करना, वरना आप ये कि पहले टमाटर डाल लें और बाद में लहसुन अदरक डालें तो भी सही रहता है, क्योंकि इसको जो लहसुन अदरक को जो है वो ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए, उससे ये कि उसकी गज़ाइत जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब हम इसके अंदर ये लहसुन अदरक डाल दिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेरा कहती हूँ कि ये थोड़ा सा फ्राई होना चाहिए, लेकिन हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। बस ये है कि जैसे समझ लें कि इसको ऑयल टच कर गया है, लेकिन हम इसको इतना ही करेंगे। और प्याज भी हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, जितना हमने ब्राउन करना था उनको, और अब ये लहसुन अदरक भी हमारा तकरीबन 30 सेकंड हो गया है फ्राई। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे और हरी मिर्च भी। थोड़ा सा टमाटर को हम फ्राई करेंगे ताकि ये अपना पानी थोड़ा छोड़ दें, इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ये मैंने अब इसको ढक दिया है टमाटरों को, ताकि थोड़ा देर ये टमाटर जो है वो नरम हो जाएं, और 2-3 मिनट ढका रहने देंगे। इसके बाद फिर ये हम इसको मसाला वगैरह जो हमें डालना है, सूखा धनिया और थोड़ी सी नमक डालेंगे, और थोड़ी सी हल्की सी लाल मिर्च डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि पुलाव में
लाल मिर्च इतनी ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए क्योंकि हमारी ग्रीन चिली ज़्यादा होगी। ये टमाटर अब हमारे अच्छी तरह तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसमें मुर्गी भी डाल देंगे और मसाले भी डाल देंगे। ये थोड़ी सी लाल मिर्च हो गई, ये सूखा धनिया हो गया और नमक। मेरे 3 गिलास चावल भिगोए हैं तो मैं ये चम्मच देख रही, ये टीस्पून है, ये मैं तकरीबन 3 चम्मच ही डाल रही हूँ, मैं बल्कि ये आधा चम्मच और डाल दिया, 3.5 चम्मच मैंने ये डाल दिया। और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे चिकन को, बल्कि मेरा ख्याल है इसमें बिल्कुल साफ ही डाल देते हैं। ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि हमने एक टमाटर भी डाला है, इसलिए दही हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये हमारा चिकन इसमें फ्राई होगा थोड़ी देर, हल्की आंच कर देते हैं ताकि थोड़ा इसी के अंदर ये फ्राई हो, हमें पानी ना डालना पड़े क्योंकि पानी ज़्यादा चावलों के से भी डालना है तो चिकन ज़्यादा नरम नहीं हो जाएगा इससे, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा टमाटर और दही में ही चिकन तैयार हो। साथ ही डाल देते हैं, ये मैंने आलू छोटे छोटे नहीं किए मैंने क्योंकि चावलों में आपको पता है आलू बड़े अच्छे लगते हैं, तो लाइक जैसे बिरयानी में आलू होता है तकरीबन वही साइज़ मैंने आलूओं का रखा है। और ये हमारा हो गया तैयार, अब हम इसको फिर से कवर कर देंगे। ठीक है, और इसको पकने देंगे ताकि ये अपने ही पानी में जो है थोड़ी देर पके। आँच देखें मैंने इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं रखी क्योंकि ये ना मेरे पास जो है ये स्टील का बर्तन है और स्टील के बर्तन में आप तेज़ आँच नहीं कर सकते, उससे आपका सालन वगैरह जो है वो जल जाता है। तो ये देख लें मैंने कितनी आँच रखी हुई है, ये इतनी आँच समझ लें कि आपने जैसे सिल्वर की देगची में आँच रखते हैं ना, ये वाली ये समझ लें इसके लिए इतनी काफ़ी है। शुरू में मेरा खाना बहुत जलता था इस बर्तन में क्योंकि मुझे समझ नहीं आती क्योंकि मैंने तो ज़ाहिर सिल्वर में खाना बनाया है, तो ये स्टील है और समझ लें नॉन स्टिक है, नॉन स्टिक की तरह बिल्कुल काम करता है। और इसके नीचे आपने बिल्कुल हल्की सी आंच रखनी है और ये नॉन स्टिक की तरह जो है ना खाना तैयार होगा इसके लिए। ठीक है,